सायहापुर पुलिस ने चोरों के सातिर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने दो सातिर चोरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी किया गया लाखों का जेवर और नकदी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुट गई है। दरअसल जिले में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बाद आईपीएस अफसर अपर्णा गौतम को लगाया गया था। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को चार लोग गाड़ियों से आती दिखाई दिए। जब पुलिस ने चारों का पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। बाद में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने घेराबंदी करके मौके से हिरासत और रहमत नाम के दो सातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पकड़े गए बदमाशों ने कई चोरी की वारदातों को करना स्वीकार किया है। हाल ही में पुआया थाना क्षेत्र में हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने सातिर चोरों से लाखों की कीमत के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं, साथ ही नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह के सदस्य फर्रुखाबाद में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिनकी जल्दी से गिरफ्तारी का दावा भी पुलिस कर रही है। थाना जैतीपुर की पुलिस द्वारा और हमारी जो एसओजी टीम है जनपद की, उसके द्वारा आज एक बेहतरीन खुलासा किया गया है। ये खुलासा एक गृह चोरी का था, जो कि पवाया क्षेत्र के पुरैना गांव में हुई थी। इसमें हमने दौरान मुठभेड़ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनका नाम इदरीस है और एक का नाम रहमत है। इनमें से एक बदायूं जनपद का रहने वाला है और पूर्व में भी कई मामलों में जेल जा चुका है। अभी इसका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। इसने दौरान पूछताछ बताया कि इसके कुछ और साथी भी हैं, जिनको बदायूं पुलिस ने भी पहले चोरी के ही मामलों में निरुद्ध किया है। जो दूसरा व्यक्ति है वो इनके साथ गया था, और बाकी जो दो लोग अभियुक्त फरार हो गए हैं दौरान मुठभेड़, उनकी तलाश पुलिस जारी रखे हुए है और जल्द से जल्द उन्हें भी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत अच्छी रिकवरी पुलिस टीम द्वारा करी गई है और बहुत ही हिम्मत वाला काम किया गया है इनके द्वारा, तो ज़रूर इनको हमारी तरफ से, कप्तान साहब की तरफ से, मेरी तरफ से प्रस्ताव रहेगा कि इनको इसका सराहनीय कार्य के लिए इनको पुरस्कृत किया जाए।